Good afternoon, everyone. My name is Sonam Tomar. I am from Sri Vaishnav Institute of Forensic Science, second year. My topic is foot evidence. So here we start. Forensic footwear evidence is physical contact between footwear and a viable surface leaves a transfer of class and individual characteristics which can be used in identification of possible suspect. So basically foot evidence are so important and they are mainly useful in murder cases. We find in crime scenes like outdoor crime scenes. Footwear evidence, steps collection, detection and recovery of footwear, evidence from scene of crime. So we find it on crime scene, enhancing evidence as necessary, producing known impression of shoes, being examined. जो भी हमको वहां से footprints मिलते हैं उनको हम लेकर examine कर सकते हैं, उससे अब हम पता कर सकते हैं कि जो भी था वहां पे क्राइम सीन पे उसकी एज कितनी हो सकती है, और वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. देन कंपेयरिंग क्राइम सीन इंप्रेशन विद फुटवेयर, और क्राइम सीन पे जो हमें इंप्रेशन मिलते हैं उससे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ फुटवेयर इंप्रेशन, थ्री डायमेंशनल इंप्रेशन, इंप्रेशन रिमेनिंग आफ्टर अ शू permanently deforms a surface found in sand, mud and snow. Two dimensional impressions, those impressions made on the linoleum, wood flooring etc. Some are highly visible and others are latent. Information from footwear impressions. The following information may be obtained from footwear impressions: identification of footwear, elimination of footwear, participation of suspect in crime, location of impressions, rebuttal or confirmation of alibis, determination of shoe brand, FBI or laboratory. Basically, हम किसी भी footwear से, किसी भी footwear impression से identify कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं, crime scene पे क्या कौन suspect था उसका पता लगा सकते हैं, और किसी भी footwear का किसी भी footwear के impression से उसके ब्रांड का भी हम यूजुअली पता लगा सकते हैं. लोकेशन एंड रिकवरी ऑफ फुटवेयर इंप्रेशन, इट इज क्रिटिकल दैट प्रॉपर टेक्निक्स बी यूज टू लोकेट, डॉक्यूमेंट एंड रिकवर फुटवेयर एविडेंस. फुल एंड पार्शियल इंप्रेशन मस्ट बी रिकवर्ड. फुल और पार्शियल जो भी इंप्रेशन हैं वो हमें मिल सकते हैं वहां से, क्राइम सीन से. सीन शुड बी सिक्योर्ड एंड एविडेंस कलेक्टेड. हमेशा क्राइम सीन सिक्योर होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि और वहाँ के किसी भी एविडेंस को हम टच नहीं कर सकते वहाँ, मतलब उसको किसी और को छूने नहीं दे सकते, और बाकायदा उनको सिक्योरिटी के साथ पूरा प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है कि कोई भी क्राइम सीन का एविडेंस छूटे ना. So this is the footprint pictures. Location and recovery of footprint impressions. Electrostatic lifting aggressive होती है technique to recover impressions normally on tile, wood or etc. जो electrostatic lifting होती है वो aggressive होती है, और इसके impressions अधिकतर हम लोगों को tiles पे, normally जो tiles होती है उस पे या wood पर मिल सकते हैं. प्लेकार्ड्स और मार्कर्स यूज टू डॉक्यूमेंट लोकेशन ऑफ इम्प्रेशंस. जो प्लेकार्ड्स होते हैं, मार्कर्स, उनको हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट लोकेशंस पे इम्प्रेशंस के लिए. इफ पॉसिबल रिमूव एंड ट्रांसपोर्ट इम्प्रेशंस. अगर पॉसिबल हो तो ट्रांसपोर्ट इम्प्रेशंस को हम रिमूव कर सकते हैं. लोकेशन एंड रिकवरी ऑफ फुटवेयर इंप्रेशन, क्वालिटी फोटोग्राफ्स शुड बी टेकन ऑफ इंप्रेशन इफ दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड. फोटोग्राफ्स आर टेकन फॉर लेटर कंपेरिजन विद सस्पेक्ट फुटवेयर, देयर फॉर दे मस्ट बी वेरी क्लियर. किसी भी क्राइम सीन पे हम जाते हैं तो हम फोटोग्राफ्स भी लेते हैं, और देन हम फुटप्रिंट का भी फोटोग्राफ लेंगे, ताकि
हम सस्पेक्ट के फुटवेयर से उसको कंपेयर कर सकें और क्लियर कर सकें। स्केल शुड बी यूज टू गेज साइज ऑफ फुटप्रिंट। स्केल हम यूज करते हैं क्योंकि फुटप्रिंट का हम साइज उसी से पता कर सकते हैं, और फुटप्रिंट का शेप, साइज, सब चीज हम कवर करते हैं। सो दिस टाइप कैसे हम उसको स्केल से कवर करते हैं। टू डायमेंशनल इंप्रेशंस। वंस एन इंप्रेशन हैज बीन फोटोग्राफ, द प्रिंट मे बी एबल टू लिफ्ट इट। एक बार जब हम फोटोग्राफ ले लेते हैं तो फिर वो प्रिंट को हम लिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग ट्रांसफर्स। फिंगरप्रिंट पाउडर इन कॉम्बिनेशन विद माइक्रोसेल मे बी यूज ऑन इंप्रेशन वर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग डज नॉट वर्क। समथिंग लाइक दैट। थ्री डायमेंशनल इंप्रेशंस। डेंटल स्टोन इज प्राइमरी मेथड ऑफ कास्टिंग फुटवेयर इंप्रेशंस ऑन वेट सरफेस। अब स्प्रे वैक्स में हैव टू बी यूज्ड फर्स्ट टू सील इंप्रेशन। मिक्स डेंटल स्टोन विद वाटर इन अ जिप्लॉक बैग फॉर 3 टाइम्स 3 मिनट्स। स्टोन हार्डनेस इन 20 मिनट्स। इन 24 48 आवर्स इट विल हैव फुली हार्डन। डेंटल स्टोन प्राइमरी मेथड कास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं, फुटवेयर कास्टिंग के लिए। और ऑन वेट सरफेस स्प्रे वैक्स भी हम यूज करते हैं। हम फिर जो डेंटल स्टोन पाउडर हम लेंगे वो एक उसको वाटर में मिक्स करके जिपलॉक बैग में 3 मिनट्स तक उसको मिक्स करेंगे। देन स्टोन हार्डनेस 20 मिनट। वो हार्ड हो जाता है इन 20 मिनट्स। इन 24 to 48 आवर्स इट विल हैव फुली हार्डन। मतलब 24 से 48 आवर्स में वो फुली हार्डन हो जाता है। लाइक दैट। एनहेंसमेंट मेथड। पुअर इंप्रेशन में हैव टू बी एनहेंस बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। फॉरेंसिक फोटोग्राफी, ऑब्लिक, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और अदर स्पेशल मेथड्स, फिजिकल मेथड, लैटेंट पाउडर, लिफ्टिंग इंप्रेशन और इंप्रेशन ऑन केमिकल मेथड्स, रिएजेंट सच एज ल्यूकोज, क्रिस्टल वायलेट, अमीडो, टैन ब्लैक, ल्यूमिनोल और फ्यूसिन एसिड मे बी यूज्ड। डिजिटल मेथड सॉफ्टवेयर सच एज एडोब फोटोशॉप कैन बी यूज टू एनहेंस इंप्रेशंस। एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड कंक्लूजन। एरियाज ऑफ फुटवेयर विच आर एग्जामिन बाय एनालिस्ट इंक्लूड डिजाइन ऑफ शू। शू का डिजाइन देखते हैं, फिजिकल साइज एंड शेप, उसका फिजिकल साइज और शेप देखते हैं शू का, वियर मार्क्स। मार्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इंडिविजुअल आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक, कट, स्टार, गम एक्सेट्रा।